गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन RCI एजुकेशन सेंटर। इन दिस वीडियो वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट एजुकेशन टू यू ऑल। दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, दे कैन अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ एजुकेशन आर गिवन बाई यू योर रेस्पेक्टिव टीचर्स। सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द 10th क्लास ज्योग्राफी पोर्शन एंड टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5, द मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। सो before the starting the chapter minerals and energy resources, we are trying to understand about the minerals. What is minerals? Minerals is a homogeneous and it will be found in underground of the earth and with the process of mining, with the process of quarrying. And whenever we are getting the minerals in all form, it very useful in our life. When we are consuming, we are taking, we are getting or we are using of minerals, then we can change our life in very comfort. Because take an example in our daily life, when we are getting in morning, so first of all we are using washroom and after that we are taking brush. So we are taking about the brush. So do you think about that, when our brush, when we are using brush, so we are adding toothpaste on brush, or we are applying some part of toothpaste on our brush, that's why we are cleaning our teeth. So in the term of brushing, when we are using of toothpaste, it's also a mineral. Suppose that we are talking about in ancient time, so ancient time people are used always cleaning of their teeth with the teeny stick of a neem trees. So in modern time we are using of toothpaste, so toothpaste also are providing of some type of minerals in their inside. So आगे बात करेंगे हमारे यहाँ पे minerals को किस तरह से consider किया गया है, minerals किस तरह से होता है। minerals की अगर जैसे अभी मैंने बताया कि वो एक homogeneous process है और हमारे underground जो part है उनमें हमें मिलता है, और मिलने के साथ साथ हम इसको खोद करके निकाल सकते हैं, इनको depth में जाकर हम इसको निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं minerals को किस किस तरह से हमें use कर सकते हैं। मिनरल्स को यूज़ करने के लिए अगर हम बात करें, आज मैंने बताया जैसे हम मिनरल से हमारी लाइफ को कंफर्ट कर रहे हैं, तो कंफर्ट किस तरह से कर रहे हैं? कंफर्ट जैसे कहीं पे भी आपको ट्रैवलिंग करनी है, कहीं आना और जाना है, तो उसमें आने और जाने के लिए आपको करना क्या होता है? आपके पास जितने भी जो व्हीकल्स हैं उसको आप ड्राइव करते हो या राइड करते हो, तो ड्राइव और राइड करते हो तो उसमें किसी न किसी तरह का कोई एनर्जी सोर्स को जरूरत होती है। तो एनर्जी सोर्स के लिए अगर हम बात करें तो उसमें क्रूड ऑयल डाला है आपने, पेट्रोल डाला है, CNG डाली है, LPG डाली है, तो वो क्या है? वो दीज आर मिनरल्स। अब इसको किस तरह से हम मिलते हैं, हमें किस तरह से मिलता है, किस तरह से हमारे यहाँ पे चीज़ें होती हैं, किस तरह से बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स के लिए हम बात करते हैं कि मैंने बताया एक होमोजीनियस प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है। बात करते हैं कि ये जो मिनरल्स है ये हमें मिलते कहाँ हैं, ये जो मिनरल्स है हमें मिलते क्या है, तो हम इसके लिए जो आपके बुक में दिया गया है उसको लिए लिख सकते हैं ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। कि मिनरल्स हमें कहां से मिलते हैं, वेयर वी फाउंड मिनरल्स। अब इसके लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाते हो, जैसे मैंने अभी बताया, स्टार्टिंग किया था तब भी मैंने आपको बताया था, किसी भी तरह की जो प्रोसेस जो हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड से कोई चीज़ निकालने की होती है वहाँ से हमें मिनरल्स मिलता है। ओके, इसी में हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माइनिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, तो माइनिंग के लिए आप जैसे कोल की बात कर रहे हैं या क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपने किसी ना किसी तरह से आप अंडर पार्ट में गए थे या अंडर डेप्थ में गए थे, तो डेप्थ में जाने के बाद जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो हमें निकाल के चीज़ें बाहर आ रही हैं, निकाल के हम जो चीज़ें बाहर निकाल के वो फॉसिल में निकलते हैं हमारे यहाँ पे, ये सारी जो चीज़ें होती हैं फॉसिल में निकलती हैं। फॉसिल का मतलब होता है कि जीवाश्म में निकलती हैं, जीवाश्म में किसी टाइम पे वो चीज़ें हमारी अर्थ सरफेस में थी, किसी भी तरह की कोई नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल डिजास्टर या हैजर्ड हुआ, उसकी वजह से वो डेप्थ में चले गए। डेप्थ में जाने के बाद जो हमारे हीटिंग्स हैं और हीटिंग्स के वजह से जो हमारे यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम जो टाइम का जो कॉसेस हुआ है, टाइम का जो पासिंग हुआ है, उसकी वजह से वो चेंज हो गए, और उनका भी जो रिमेंस है
वो आज हमें फॉसिल में मिलता है। ओके सेकंड वन कि हमारे यहाँ पे मिनरल्स और किस तरह से हमें अवेलेबल होते हैं, और जैसे अभी इसमें आगे एग्जांपल करें कि जैसे ये सारी सारी चीज़ें हमें मिलती है मिनरल्स, मोस्टली हमें जो मिलता है वो आयरन ओर में मिलता है, मोस्टली किसमें मिलता है आयरन ओर में मिलता है। ये आयरन ओर एक मिक्स सब्सटेंस होता है, अगर स्पेशली हम सबसे पहले हम ओर की बात करें तो ओर क्या होता है, और इज अ मिक्स सब्सटेंस ऑफ ऑल मेटल्स, और की अगर बात करें ये मिक्स सब्सटेंस है जिसमें सारी सारी जो मेटल्स होती हैं वो सारी सारी इंक्लूड होती है, और उनको जब उनको हीटिंग की जाती है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो अलग अलग टेम्परेचर पे जितनी भी जो जैसे जैसे कोई भी मेटल्स है उसका एक अलग से मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो जैसे जैसे उसकी उतनी अमाउंट में या उतने प्रेशर में या उतने टेम्परेचर पर जब उसको हीट दी जाती है तो वो अलग से मेल्ट होकर निकलना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से हम अलग अलग प्योरीफिकेशन के अकॉर्डिंग या अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वहाँ से जितनी भी मेटल्स होती हैं उनको हम निकालना शुरू करते हैं। पर ये सारी सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमें ऑप्टेंट्स होती है, तो सबसे पहला जो इनका जो अमाउंट होता है वो आयरन ओर से होता है। अब आयरन ओर की अगर बात करें तो आयरन ओर से ही हमें काफ़ी चीज़ें मिलती है। ओके आयरन ओर से हमें और काफ़ी चीज़ें मिलती है, या फिर हम बात करें कि ये ओर से होती है किस तरह से हमारे यहाँ पे इफेक्ट्स करती है, किस तरह से हमारे यहाँ पे निकलती है, तो इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे वोल्केनिक इरप्शन में आपने देखा होगा, तो वोल्केनिक इरप्शन और रॉक्स आपने जो स्टार्टिंग में पढ़े थे या जो आपने अपनी एजुकेशन जब स्टार्ट की थी, तो जो 6-7 क्लास की बात करें तो 6-7 क्लास में ज्योग्राफी का जो पोर्शन आपने पढ़ा, तो उसमें आपने वोल्केनिक इरप्शन भी पढ़ा होगा और आपने रॉक्स भी पढ़े, तो वही कंटेंट वापस थोड़ा सा इंक्लूड करता हूँ इसी में, क्योंकि आपकी बुक्स में भी दिया गया है और बुक्स में देने के साथ साथ इसको भी उसमें ऐड किया गया है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वापस से। तो वोल्केनिक इरप्शन देख लेते हैं हम थोड़ा सा, और उसके साथ साथ हम रॉक फॉर्मेशन भी देखते हैं। ये दोनों कंटेंट एक साथ आपको क्लियर हो जाएंगे, बहुत इजी वे में मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक इरप्शन में आपको पता है कि जो अर्थ के जो अर्थ का जो अंदर का जो टेम्परेचर जैसे जैसे वो राइजअप होता है, जैसे जैसे वो हाई होता है, तो हाई होने के बाद में आपने सबको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर हमने प्रेशर कुकर कुकर पे रखा है या आपने स्टोव पे रखा है या आपने गैस चूल्हे पे रखा हुआ है और हम उसको कंटिन्यू टेम्परेचर हाई करते रहे, उसका उसमें एनर्जी देते हैं, तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा तो उसमें क्या होगा, जो भी चीज़ अपन बना रहे हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देगा, जो भी अपने पॉट्स रखा है, जो भी अपने पैन रखा है, जो भी अपने यूटेंसिल्स अपने गैस स्टोव पे रखा है, तो उसमें से वो चीज़ें निकलना शुरू कर देगी। वही चीज़ें हमारे यहाँ पे सिंपल वे में हम इसको उसी से इंटैक्ट करते हैं, या कैसे करते हैं कि जैसे अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस में हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ में हमें पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसी टेम्परेचर हाई की वजह से क्या होता है, जितनी भी जो मेटल्स होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और मेल्टिंग हो जाती है। मेल्टिंग होने के बाद में इसको बोलते हैं मैग्मा, और मैग्मा कह सकते हो या लावा भी कह सकते हो। ओके जब ये लावा जब हाई टेम्परेचर में होता है तो वो क्या होता है, अपराइज होना शुरू हो जाता है। यू गेट दैट माई पॉइंट, यस स्टूडेंट्स? ओके वंस अगेन, जब ये इसका मेल्ट ज़्यादा होता है या इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अपराइज होना शुरू हो जाता है। अपराइज होने के साथ साथ में क्या होता है कि ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सरफेस हो गया, सरफेस पे भी और ज़्यादा प्रेशर होगा तो सरफेस का भी क्या होता है कि सरफेस के ऊपर से निकलना शुरू कर देता है और ये एक नया क्रिएशन करना शुरू कर देता है। ये एक नया क्रिएशन हो गया और एक ये रॉक्स टाइप में आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्केनिक इरप्शन, सो वोल्केनिक इरप्शन की बात कर रहे हैं तो वोल्केनिक इरप्शन को ही हम समझते हैं पहले। इसकी दो कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं कि इफ आर सरफेस हैज इन स्ट्रॉन्ग कंडीशन, इफ आर सरफेस हैज इन स्ट्रॉन्ग कंडीशन एंड इट विल बी कंप्लीटेड कवर्ड ऑफ ऑल टेम्परेचर, मतलब ये जो सरफेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ पे इसको कंट्रोल कर लेता है, और इसको कंट्रोल करने के बाद में क्या होता है कि ये ऐसा कैसे एक शेप में बन जाता है, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर वो निकल नहीं पा रहा तो क्या होता है कि यहाँ पे एक अलग से शेप में बन जाता है। तो ये वाली जो शेप बनी है, ये शेप बनी है आपके सामने, एक रॉक बनी है, और इस रॉक को आपने क्या बोला है, इग्नियस रॉक। क्या बना? इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं, वापस से दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अभी यहाँ पे क्या दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि कई बार क्या होता है जो अर्थ सरफेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है जिससे कि ये टेम्परेचर है या इसका हाई प्रेशर है वो उसको कंट्रोल कर सके, तो क्या होता है धीरे धीरे यहाँ से क्या होता है एक छोटा सा वेंट निकलना शुरू हो जाता है, वेंट होल, और वेंट होते ही यहाँ से जितना भी प्रेशर वो बूम करके बाहर निकल जाता है। ओके तो बूम करके निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये इरप्ट हुआ या बूम करके बाहर निकला तो ये सारी सारी जो मिनरल्स हैं, सारी सारी जो मेटल्स हैं, सारी सारी जो आपको जो भी अंडरग्राउंड में जो भी चीज़ें थी वो सारी सारी बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जिससे भी हम कह सकते हैं कि इससे भी हमें क्या कहते हैं, इससे भी हमें क्या मिलेगा बताओ,
क्या मिलेगा यहाँ पे, मिनरल्स मिलेंगे। ओके, अब जो कंडीशन सेकंड वाली थी कि यहाँ इरप्शन हो गया, कि वेंट आउट हो गया, तो वेंट आउट होने के बाद यहाँ पे मिनरल्स आपको मिलने शुरू होंगे। ओके, बट कंडीशन हम वापस करते हैं जो आपकी कंटेंट में दी गई है, रॉक्स की जो सेकंड कंडीशन आ रही थी, रॉक्स वाली, ये रॉक्स वाली पढ़ रहे हैं कि अभी आपने क्या देखा कि जब इसको थोड़ा सा वापस हटा दूँ यहाँ पे, आप समझ में आ जाएगा आपको कि हम फर्स्ट वाली कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ पे इरप्ट नहीं हुआ है और ये प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो अर्थ सरफेस है स्ट्रॉन्ग है, इसको कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ का प्रेशर निकल नहीं पाया, एक रॉक बन गया। और रॉक बनने की जो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई, जो रॉक बनने की जो प्रोसेस कंप्लीट हुई, वो कौन सी रॉक है, वो रॉक क्या कहला रही है अपनी, इग्नियस रॉक। सो दिस इज इग्नियस रॉक। ओके, सेकंड इसी रॉक, हम रॉक के फॉर्मेशन की बात करें तो रॉक्स को तीन कंडीशन में बताई गई थी, फर्स्ट इज इग्नियस, सेकंड इज मेटामॉर्फिक और थर्ड इज सेडिमेंट्स। ये तीनों कंटेंट कर देता हूँ अभी क्लियर। तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट वाली आपकी जो इग्नियस है वो कंप्लीट हो गई। सेकंड वाली अगर बात करें, सेकंड में क्या होगा, आपने साइंस में कई कंटेंट पढ़ेंगे, साइंस में कई एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें आपने क्या बोला कि किसी भी मेटल्स को जब आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर हाई कर रहे हो, तो टेम्परेचर हाई करने के बाद उसका क्या होता है, वो एक्सपेंड हो जाता है। ओके, और जब उसको कूल डाउन कर रहे हो, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो वो क्या होता है, वो स्क्वीज होना शुरू कर देती है। वही कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वापस से कंटिन्यू करते रहना, कंसंट्रेट आपको यहीं पे रखना है, जिससे कि आपने जो मैं आपको ये छोटे छोटे कंटेंट या छोटे छोटे जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर कंटिन्यू अबाउट द रॉक्स। इग्नियस आपको समझ आ गया। इसके बाद में जैसे अगर बात करें कि मैंने अभी बताया, कोई भी मेटल से जब उसको हीटिंग दी जाती है तो क्या होता है, वो एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने के बाद जब वो धीरे धीरे ठंडी होती है तो स्क्वीज होती है। तो स्क्वीज का मीन यहाँ पे क्या हो गया कि स्क्वीज का मतलब वो सिकुड़ेगी, और सिकुड़ेगी तो अपने जो प्रॉपर शेप है उस प्रॉपर शेप से वो छोटा होगा। तो प्रॉपर शेप से छोटा होगा तो वो क्या करेगा, अपने शेप से या अपने मॉलिक्यूल अपने पार्टिकल से उसको अपनी कनेक्टिविटी में ले गया है। तो अभी यहाँ पे ये जो रॉक बनाई है तो सॉलिड रॉक है ना, तो सॉलिड रॉक है तो ये क्या होगा, सॉलिड रॉक जब इसमें से स्क्वीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। डू गेट माई पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स आना हो जाएंगे। तो क्रैक्स आने के बाद में यहाँ पे एक इसका शेप चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होने की कंडीशन में जो दूसरा रॉक आ रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक, वो यहाँ पे ओरिजिनेट होगा। डू गेट इट, आपकी कितनी रॉक्स कंप्लीट हो गए, फर्स्ट इज इग्नियस और सेकंड इज मेटामॉर्फिक, थर्ड वन इज देयर बिकॉज आई ऑलरेडी शोन टू यू देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर वी स्टडीड अर्लियर। सो ये तीनों जो रॉक्स आपके यहाँ पे बनी है, फर्स्ट इज इग्नियस, सेकंड इज मेटामॉर्फिक और थर्ड वन इज सेडिमेंट्स। सो सेडिमेंट्स की अगर बात करें तो सेडिमेंट्स क्या होता है, सेडिमेंट्स में आपको क्या करना होगा कि ये जो आपका इग्नियस हो गया या मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, जब इसके ऊपर रेनफॉल होगा, क्या होगा इसके ऊपर रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल में क्या होगा कि इसमें इसका जो अपर लेयर है वो वाटर के साथ स्लाइड हो जाएगा, उसके साथ किसके साथ हो जाएगा, वाटर के साथ स्लाइड हो जाएगा। स्लाइड होने के बाद में क्या होगा, वो धीरे धीरे जाके फ्लो होके कहीं पे जाके डिपॉजिट होगा, कहीं पे जाके डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होने के बाद में एक नया फॉर्म या नई फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट होगी, नया फॉर्मेशन बनेगा वही आपके यहाँ पे क्या होगा, वही यहाँ पे क्या होगा, वो होगी आपकी सेडिमेंट्स रॉक्स। डू यू गेट, यस। सो इन दिस वीडियो, इन दिस फ्लो चार्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इग्नियस रॉक एंड सेकंड इज मेटामॉर्फिक रॉक एंड थर्ड वन इज सेडिमेंट रॉक। अब इन तीनों प्रोसेस में आपके यहाँ पे जैसे अगर बात करें इग्नियस रॉक में जैसे उसका जब डिवाइडेशन हुआ, तो डिवाइडेशन होने के बाद इसके जो पार्ट या इसके जो मॉलिक्यूल, इसके जो स्टोन्स या इसके जो डिवाइडेशन हुए, वो अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। बड़े जिनको लार्ज बोला गया है और छोटे हैं जिसको स्मॉल बोला गया है। तो आपकी जो बुक है उस बुक में इसको अलग अलग नेम से बात की गई है। जैसे अगर बात करें, एक तो वेनिस हो गया, एक तो क्या था वेन्स, ये किसको बोल दिया गया, स्मॉल को। और लार्जर की अगर बात करें तो लार्जर को बोला है आपने लॉट्स। मीन्स ये मॉलिक्यूल जब आपके डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद आगे कंटिन्यू फ्लो करते हैं। सो दीज आर नोइंग अनदर name is that larger molecule are known as lots and smaller molecule are known as veins. So in this term we are understanding about the volcanic eruption and along with rocks. So there are igneous rock are there, metamorphic are there and sediments are there. So second one is there, jab metamorphic ki baat kare to metamorphic mein bhi do cheeze hai, isi tarah se continue karti hai ki usme aapko minerals kon kon si milti hai. To metamorphic ki agar baat kare to metamorphic mein aapko ek to beds milta hai aur second one agar baat kare to second mein aapke layers mein deposit hota hai, second one mein aapke yahan pe kis mein deposit hota hai, layers mein. To ye bhi aapke yahan pe minerals obtain karne mein ya minerals ko occurrence karne mein ya minerals ko found karne mein aapki help karta hai. थर्ड वन अगर बात करें तो थर्ड वन में मैंने आपको बताया जैसे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, रॉक के फॉर्मेशन के बाद में
when rainfall has came down, or when rainfall has came down, then it will be flowing with the water. The wet water will be contained with the mountain. Then mountain and water will be flow down, and it will be deposited in a plain area, and a new formation are created. Which one is that? That is sediments. So sediments means जैसे यहाँ पे सारी सारी जो चीजें deposit हुई, तो यहाँ पे अलग से मिनरल्स यहाँ पे ऑक्टेंट्स होते हैं. ऑक्टेंट्स में होने में यहाँ पे कौन कौन सा, जैसे ग्रेनाइट आ गया, लाइमस्टोन आ गया, ये सारे सारे जो मिनरल्स आपको सेडिमेंट्स में मिलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बची यहाँ पे कि यहाँ पे जब जब मिनरल्स का फॉर्मेशन बात करें तो मिनरल्स कहाँ से फाउंड होते हैं, तो उसमें ये सारी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी. और उसके साथ साथ में अभी यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रोसेस और भी होती है. वो प्रोसेस क्या होती है कि वेदरिंग प्रोसेस भी आपकी यहाँ पे स्टार्ट होती है. उस वेदरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपकी मिनरल्स ऑब्टेंट होते हैं. वो वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि लैंडस्लाइड हो गया, ओके, अनदर वन अर्थक्वेक आ गया, ओके, अनदर वन कि आपके यहाँ पे जाइंट्स हो गया या टेम्परेचर हाई हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके यहाँ पे इरोड्स होना शुरू हो जाते हैं, इरोजन होना शुरू हो जाता है. तो इरोजन होने की वजह से भी आपके यहाँ पे मिनरल्स का फाउंड होता है, मिनरल्स का ऑब्टेन होता है. तो अभी तक आपने जो देखा है कि मिनरल्स किस किस तरह से चीज़ें या किस किस तरह से बनती हैं, तो ये वाली जो कंटेंट है, ये वाला फॉर्मेशन है, आपको समझ आ गया कि आपको मिनरल्स कितने टाइम पे मिलते हैं. तो इसमें आपको बताएं कि इग्नेस हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया और सेडिमेंट्स हो गया. इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखा है कि मिनरल्स किस तरह से मिलते हैं. स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.